सभी को मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 32 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मम हि परथा व्यापसृत्या ये पिस्तूय पपा यो नाया स्त्रियो वरिष्यस्तथा शूद्रस्ते पीयन्ति परं गतिं। ओ सन ऑफ पृथा, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaisyas, merchants, sudras, workers, can attain the supreme destination. जिस किसी भी फॉर्म में हो, इनफैक्ट अगर किसी को लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, सैडनेस की एनर्जी में होते हैं, ब्लैक मैजिक भी किसी के ऊपर ट्राई भी होता है ना, कृष्ण भगवान का प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बस आपको उनके ऊपर विश्वास रखना, उनकी चैंटिंग करनी है। चैंटिंग का इफेक्ट अलग होता है, उसमें वाइब्रेशन जो सिलेबस यूज होते हैं ना, वो सिलेबस बहुत साइंटिफिकली मतलब प्रूवन अभी भी कितना हुआ है आई डोंट नो, बट साइंटिफिकली यहाँ पे चीज़ें अगर प्रूव हो जाती है, समझ में आ जाएगा कि ह र ए हरे कर ई स ह न, ये सारे सिलेबस में ना कुछ बीज मंत्र है जिसका एक साथ में युक्ति होने से कुछ अलग ही एनर्जी तैयार होती है। विश्वास के बिना भी करके देखना, काम बनेगा। मैंने खुद करके देखा है, विदाउट विश्वास मिरेकल जैसा होता है। हर एक सिलेबल के ऊपर ना कुछ साइंटिफिक वाइब्रेशन होती है जिससे कि कुछ ना कुछ एक मिरेकल होता है। So let's understand. It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower and the higher classes of people, just like the democracy of India. In the material conception of life, there is no such divisions for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord. There are not. Everyone is eligible to the supreme destination. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that even the lowest who are called chandalas, dog eaters, can be purified by association with a pure devotee. Therefore, devotional service and the guidance of the pure devotee are so strong that there is no discrimination between lower and higher classes of men. Anyone can take it. The most simple man taking a shelter of the pure devotee can be purified by proper guidance. Rehte rehte sang sang ka asar hota hai na, sang dosh jaise kharab sang, acche sang sang ka asar ho hi jata hai dheere dheere. According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, brahmanas, passion, kshatriyas or administrators, mixed modes of passion and ignorance, vaishyas or merchants, and the mode of ignorance is sudras or workers. Those who are lower than that are called chandalas, who are born in sinful families. Generally, the association of these born in sinful families is not accepted by the higher classes. But the process of devotional service is so strong that the pure devotee of the Supreme Lord can enable people of all lower classes to attain the highest perfection of life. This is possible only when one takes shelter in Krishna, as indicated there by the word vyapasritya. One has to take shelter completely in the Krishna. Then one can become much greater than our great ज्ञानीज एंड योगीज। मतलब अगर आप चंडाल भी हो, जैसे बचपन में किसी की मम्मी ऐसे उसमें बोलती तू चंडाल जैसा बिहेव कर रही है, अगर आप ठीक से नहाना धोना खाना पीना नहीं करते हो, सो उसको हमेशा ताच्छल्य किया जाता है। मतलब इट्स बीन मत आओ सामने, ऐसा बिहेव किया जाता है, उस इंसान को खुद से दूर किया जाता है। सो दैट पर्सन इज एक्चुअली, मुझे कुछ वोकैबुलरी में इशू हो रही है कुछ दिन से, आई एम ट्राइंग टू से द वर्ड लेकिन मेरे को पेट में आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है, कि उस इंसान को आप डिसरिगार्ड कर देते हो या रिमूविंग फ्रॉम द सोशल ग्रुप्स, उसको हटा दिया जाता है। बट जितना आप भक्ति करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाती है कि लोग आपसे जुड़ते भी हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ में सब कुछ दी बेस्ट होता है। एंड विश्वास के साथ में करते हो तो विश्वास की शक्ति और शक्तिशाली हो जाती है। तो आप चैंटिंग को करके देखो, अपने जिंदगी को खूबसूरत, लाजवाब, मज़ेदार, बेमिसाल, फैंटास्टिक बना लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही तक था श्लोक नंबर 32 ऑफ भगवद गीता चैप्टर है। अगले वीडियो में श्लोक 33 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।